अपने टिकट जो है ले लिया। इसको बनाने में कितना कॉस्ट आया? ये अटल बिहारी वाजपेयी उनकी कार है। आप पढ़ते हो? हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, उसका फ्रेंड है। सो हम आए हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय, और आप ये सारी चीजें आगे की वीडियो में देख सकते हैं, हमने क्या टिकट लिया, क्या चीजें ली, बाकी जितने भी हम जो भी है सारी चीजें आगे आपको वीडियो में। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। एंट्री करने के लिए आपको जो है यहाँ पर पहले सर को अपनी आईडी चेक करानी होती है, उसके बाद आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। और यहाँ पर जो है फ्री पार्किंग होती है वहाँ सामने, जैसे आप गेट से एंट्री लोगे लेफ्ट लेते हैं, यहाँ पर फ्री पार्किंग होती है। हम अंदर टिकट लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि और कैसा है अंदर से। तो आप ये पॉज करके पढ़ सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने वहाँ पे स्कैन करके ये तीन टिकट परचेज करा है, जो कि अभी ऑप्शन में आ रहा था। ये द ओनली लिखा हुआ आ रहा था, मतलब कि अभी हम फिलहाल यही ले सकते हैं, और जो भी इनके शोज वगैरह है वो टाइम के अकॉर्डिंग। हेलीकॉप्टर राइड है वो हमें नहीं मिल पाया, हम लेट आया थोड़ा सा। मोहित मेकअप करने में बहुत टाइम लगा रहा था, इस वजह से हम काफ़ी लेट हो गए। भाई देख लो, मैंने बहुत सारा मेकअप लगाया, ठीक है। सो चलो चलते हैं अंदर देखते हैं। तो गाइस, जो ये आपको गार्डन दिख रहा है ना, यहाँ पे हम अपनी मंदिर लेके आ सकते हैं। अंदर का इंटरफेस है ना, बारे में बताएगा ना इसके अंदर क्या क्या है। सो ये पूरा बाहर का ओवरव्यू है, जैसा ये ऊपर से दिखता है। सो यार गाइस, आप देख सकते हो काफी बढ़िया लग रहा है देखने में। इसका जो मेन थीम है वो आपको ये दिखाता है कि ओवरऑल जो इंडिया में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका स्टार्टिंग से लेकर अभी तक क्या उनका डिसीजन रहा है इंडिया को लेके, उसके बारे में दिखाया गया। श्रीमती प्रियंका रे, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता पिवलानी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित एंड श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी। सो यहाँ पर पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं आप आराम से बैठ के, यहाँ पे चेयर भी लगाया हुआ आराम से, आप इसको जो बैठ के बहुत ही आराम से देख सकते हैं, और बहुत ही बड़ी जगह। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ बताया गया आपको यहाँ पर। यहाँ पे और भी बहुत सारे रूम्स जो बने हुए हैं उसके अंदर अलग अलग डिटेल्स आपको दी जाती है। इंडिया बिकम्स अ रिपब्लिक, तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। सो जैसे आप यहाँ पे एंट्री लोगे आपको यहाँ पर सप्रेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, उसके बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई है। फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। बेसिकली इंडिया की जो पूरी हिस्ट्री है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। फंडामेंटल इंडियन डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल अटल फ्रेंचाइज, जनरल इलेक्शंस, ये पूरी बुक रखी हुई है यहाँ पर पढ़ने के लिए। कुछ पढ़ना हो आर्टिकल्स तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करके इसको पेज पर पढ़ सकते हो। वो देख सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रॉपर बुक रखा है। हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर, यहाँ पर डेथ हुई थी ना, वैसे उनकी डेथ हुई थी ना, तो वो उनका रूम का ये बनाया है। सिंपली जो गाइस आपको जो यहाँ पर आप बैठ के इनके बारे में जो पूरी जानकारी दी हुई है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सब कुछ बताया गया, जितने भी यहाँ पर प्रधानमंत्री आज तक रहे हैं स्टार्टिंग जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से जो है अभी तक का, उन्होंने क्या डिसीजंस लिए हैं, उन्होंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करी है, वो सब कुछ आपको जो यहाँ पर बैठ के आप आराम से देख सकते हो। बेंचेस लगाए गए हैं आपको स्टार्टिंग में ही, जब आप एंट्री लेते हो वहाँ पर आपको एक पॉइंट भी दिया जाता है जहाँ पर आप हेडफोन और फोन्स कलेक्ट कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है टिकट के साथ ही। तो आप जो हेडफोन आपको मिल जाएगा, जिस भी आप रूम में जाओगे आपको रूम का बटन दबाना है, वो आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको दे देंगे। यहाँ से जो पूरी बुक यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बढ़िया टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे बस फिल्म रखी हुई है और आराम से आप ऊपर से प्रिंट आता है। वो देखो आप, लैंप उनका लगा हुआ है, फैन देख सकते हो, जो पुराने होते थे जब लग्जरी हाउस होते थे वहाँ पर ये लंबे स्टिक के फैन। तो पास्ट में नेहरू जी की बैठक कुछ ऐसी थी, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो 1951 से 52 के बीच में हुए थे। कुछ पोस्टर कटिंग्स रखी हुई है न्यूज़पेपर की, जब
ये प्रिंट हुआ था। ओए 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 क्या नजारा, थोड़ा अमूल बटर और डाल दो इसमें, मजा आ जाए। यहाँ पर एक कॉरिडोर सा बना रखा, आप बस यहाँ पर खड़े होकर देख सकते हो क्लासेस के आर पार उनके रूम को। हमने जो है ऊपर फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पूरा घूम लिया है। ये कुछ अंदर ये चीज़ें हैं सारी जो कि हम इतने देर से कवर कर रहे हैं। इसे तोश खाना कहते हैं, तोश खाना कहते हैं, तोश खाना। और भाई आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ब्लॉग से? दोस्तों यहाँ पे ना बहुत कुछ है देखने के लिए, अगर आप आना चाहते हो तो ज़्यादा काफ़ी टाइम से नॉमिनल से फीस है 100 रुपीज़ की, आप आके देख सकते हो। आपको भारत का पूरा इतिहास यहाँ पर दिख जाएगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पर जो है पूरा फिल्म की तरह दिखाया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं हिस्ट्री के बारे में, भारत का इतिहास कैसा था, तो आप यहाँ पर जरूर आ सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस है जिसमें कि आप बहुत कुछ कवर कर सकते हो। इवन मैं ये कह रहा हूँ आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं जो रथ है ये पहले का है, कुछ ऐसा दिखता था। भारत रत्न Awarded to Shri Jawaharlal Nehru. बहुत सारी चीजें जो कि हमने कवर करी। And defense preparedness was seriously neglected. The Prime Minister's mistake would later be described as a Himalayan blunder. तो गाइस बाहर का आप कुछ नजारा देखोगे, जब जैसे आप एंट्री लोगे यहाँ से तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। हम जो है इसके अंदर अभी हम घूम रहे थे, ग्राउंड फ्लोर के अंदर भी पूरा बना हुआ है, पूरा यहाँ से आप देख सकते हो। और फर्स्ट फ्लोर का जो है व्यू वो भी अभी आपने वीडियो में जो देखा उसके अंदर ही था, और ये बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसके जस्ट सामने अगर आप देखोगे तो आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा। हमारी जितनी भी पुरानी हिस्ट्री से ही हम जब देख के आ चुके हैं, म्यूजियम घूम लिया हमने, अब हम बाहर आए कैफे के साइड पढ़ते हैं। पढ़ते हो? अच्छा, तो वहाँ से स्कूल मतलब एकेडमी आपको यहाँ लेके आई है। अच्छा, तो आप कैसा लग रहा, तुम्हें बताओ यार ये प्लेस कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अंदर में क्या क्या सीखने को मिला और बाकी क्या क्या अच्छी चीजें आपको लगी वो बताओ। हाँ, और अंदर भी गए होगे शायद आप इसके अंदर? अभी जा रहे हो। और बाकी ये सब जगह कैसी लगी आपको अंदर? बढ़िया लगा, सामान बहुत अच्छा था। क्या सामान मतलब? जैसे उसके अंदर वो रखे हुए थे ना। अच्छा, कौन सी क्लास में भाई? 9th। अच्छी बात है भाई। और आप लोग कौन सी क्लास में भाई? 8th। पुराने जमाने की जो चीजें रखी हुई थी ठीक लगी। अच्छा अच्छा। सो गाइस अभी हम जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, हम नीचे जा रहे हैं, नीचे कैफे है, तो वहाँ पे जाके कुछ भोजन खाया जाए। आप ऊपर से नीचे की साइड आओगे आपको यहाँ पर जो है कैफे मिलेगा। कैफ़े में अभी आपको हम चल के दिखा देंगे वैसे क्या क्या है इसके अंदर। बाकी इस कैफ़े का जो नाम है वो है नमस्ते कैफ़े। ये देख सकते हो यार आप कैफ़े कितना बढ़िया बना हुआ है आराम से। फिर से बताओ क्या बता रहे हो भैया? के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो शेयर करो। तुम पढ़ाई लिखाई करो। ऐसे ही है यहाँ का मेन्यू, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप कुछ वगैरह खाते हो पाते हो फैमिली के साथ तो आपको दिख जाएगा। वीडियो को आप स्टॉप करके देख सकते हो यहाँ पर मेन्यू का प्राइस क्या क्या है। बहुत ज़्यादा फायदे हर चीज़ के, एंड प्लस 5% GST आल्सो। हाँ, 5% GST आप देख सकते हो यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है। इट्स टू एक्सपेंसिव। बाहर जाके खाए। सो गाइस यही वो प्लेस है जहाँ पे अभी हमने मतलब ग्राउंड फ्लोर देखा था, और उसके फर्स्ट फ्लोर पे जो हम घूम रहे थे उसके अंदर। और ठीक इसके जस्ट सामने जो है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर इवनिंग में जो है लाइट शो होता है वो। बाकी आप ये देख सकते हो कुछ ये बीच में जो है इसके और इन दोनों के बीच में जो है ये छोटा सा पार्क टाइप का लॉन टाइप का बना हुआ है। आप यहाँ पे बैठ सकते हो आराम से। और बैग वगैरह चेक हो रहा था, कुछ भी खाने पीने का अलाउ नहीं है अंदर लाने को, लेकिन फिर भी भाई गर्ल्स पावर वही है। देखो मेंटोस ले गई है हमारे लिए खाने के लिए, जो कि अभी हम फुल चिल मार के खा रहे इधर। गाइस अक्कू जो है हमें ये बताएगी कि ये जो संग्रहालय पूरा बना हुआ है प्रधानमंत्री का, ये इसको बनाने में कितना कॉस्ट आया ये बताओ। इसको बनाने में 306 करोड़ कॉस्ट आया है। ये जो है भारत के जो 10वें प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी कार है ये, आप देख सकते हो एम्बेसडर जो है कितनी बढ़िया लग रही है। जब भी वो कहीं जाते थे वो इसी कार का यूज़ करते थे। ब्रांड न्यू खड़ी है एम्बेसडर कार। हमने ये पूरा घूम लिया अभी, और हमें यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि यहाँ पे एकदम पीस है, बहुत शांति है। आप किसी के साथ भी आ सकते हो, यहाँ एकदम शांति वाले मूड में एंजॉय कर सकते हो। मुझे जो सबसे यहाँ पर फेवरेट लगा वो ये है, एक तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपके लिए इतना बड़ा स्पेस है, आप पूरे फैमिली के साथ आ सकते हो, ग्रुप आ सकते हो, फ्रेंड्स आ सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया प्लेस है। और जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टेड हो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया प्लेस है। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा मोदी जी को गिफ्टेड प्राइज बहुत अच्छा लगा, गिफ्ट बहुत अच्छा। जो हमारे शान है भाई, भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री मिला
आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो सारी शिप वगैरह। सो गाइस एग्जिट पॉइंट पे जो यहाँ पर आपको वॉशरूम मिल जाता है, वो वॉशरूम भी आपको दिखा देता हूँ कैसा है। आप देख सकते हो कुछ क्लीनलीनेस भी मतलब ठीक है, अच्छी है। गाइस हमारा घूमना फिरना हो गया है, हम अपना बैग लेने जा रहे हैं, अब हम बैग लेके आपको सीधा बाइक पे मिलते हैं। तो गाइस इस टाइम तक जो है हमें भूख लग चुकी होती है बहुत तेज, और हम निकलते हैं सीपी की तरफ। ये हो गया तुम्हारा राजमा चावल, ये कड़ी चावल, ये प्लेटर हो गया चूरचू नान प्लेटर। जो अभी हम यहाँ पे आए थे, यहाँ का हमने खाना वगैरह खाया, इतना ज्यादा मस्त हो रहा था। लेकिन जो भी बोलो यहाँ रश इतना ज्यादा होता ना कि अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ जो रश होता है ना आप देख ही सकते हो। फिलहाल तो कुछ नहीं, कम हो चुका है, पहले कुछ ज्यादा ही रश था। खाना कैसा लगा आपको? राजमा चावल कैसे थे? आपका रिएक्शन कैसा है? राजमा चावल हमने लिया था, राजमा चावल चूरचू नान प्लेटर और कड़ी चावल लिया था, सारे एक नंबर हो रहे थे। ये देखो हमारी धन्नो खड़ी, इतनी प्यारी लग रही है। हम सब दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मेरा नाम ज्योत्सना है, इसका नाम गौरव है। माय नेम इज मोहित। सो आप लोगों को दिल्ली में और कौन कौन सी जगह का ब्लॉग देखना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, फिर हम आपके लिए न्यू ब्लॉग बनाएंगे। उस जगह के हम पर्टिकुलर एक ब्लॉग बनाएंगे, जो भी आप जगह हमें सजेस्ट करेंगे हम वहाँ पे भी जाएंगे। हर संडे एक ब्लॉग आएगी इस चैनल पे, वीकली एक ब्लॉग आएगी, बाकी तो शॉर्ट्स आते रहेंगे गाइस। तो स्टे ट्यून्ड सर। सो फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें।